हेलो दोस्तों, आज हम सिखाएंगे कि डेलकम को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने डेलकम का फोल्डर खोला है। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फोल्डर है। ठीक, इसके अंदर सेटअप का ऑप्शन है ये। ठीक है, सेटअप को रन करना है। ये मैंने सेटअप को रन किया, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल हो रहा है अभी। उसके बाद ये मांग रहा है कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, आफ्टर दैट लाइसेंस एग्रीमेंट आता है इसका, आई एक्सेप्ट करके फिर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये यूज़र नेम मांगता है कि यूज़र नेम क्या है। यूज़र नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने डाला इसमें AST करके डाला है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम मांग रहा है, ये देना जरूरी होता है इसको, तो इसमें भी हम कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने AST करके ही डाल दिया है, AST अब कोई और नहीं है। नेक्स्ट कर दिया है, फिर नेक्स्ट कर दिया है। उसके बाद ये मांग रहा है कि आपको क्या मिनिमम कंप्लीट कस्टम कैसा इंस्टॉल करना है। मुझे कंप्लीट इंस्टॉल करना है डेलकम, तो मैंने कंप्लीट करके नेक्स्ट कर दिया इसको। उसके बाद रेडी टू इंस्टॉल हो गया है, इसको इंस्टॉल कर देना है। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे कुछ 2-4 मिनट का टाइम लेगा। देखिए, मेरा ये वेलकम इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, उसके बाद मेरा ये मांग रहा है कि सिस्टम रिस्टार्ट करना है कि नहीं करना। मैं अभी सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करूँगा, अभी मुझे इसके अंदर क्रैक डालना है। ठीक है, क्रैक डालने के अंदर काम करेंगे हम। मैंने क्रैक का एक फोल्डर है, क्रैक का, इसके अंदर क्रैक डाल रखा है। अभी इसको मुझे जो इसकी डायरेक्टरी है, सी डायरेक्टरी जहाँ पे ये इंस्टॉल होता है, वहाँ पे इसको क्रैक डालना है। ठीक है, पहले मैं डायरेक्टरी खोल लेता हूँ साइड में। जैसे अभी हमारा ये फाइल्स में डेलकम, ठीक है, ये डायरेक्टरी है इसकी, यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। उसके बाद जैसे मुझे इसके अंदर मेरा ये जो है, ये क्रैक है, ये क्रैक है इसके अंदर SYS EXES में, ये फाइल उठानी है। और जिस सेम फोल्डर से मैं इसको उठा रहा हूँ, मुझे उसी सेम फोल्डर में इसको पेस्ट कर देना है, SYS EXES में पेस्ट कर देना है। हाँ जी, तो ये फाइल को ओवरराइट मांग रहा है, इसको ओवरराइट कर देना है। हो गया पेस्ट।
अब इसके बाद दूसरे फोल्डर से उठाना है डक पोस्ट। ठीक है, अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये देखिए डक पोस्ट, यहाँ से एक्सी फाइल उठाएंगे, इसको कॉपी करेंगे डक पोस्ट, यहाँ SYS एक्सी सेम फोल्डर खोलना है जहाँ से हम इसका उठाएंगे क्रैक और उसको ओवरराइट कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम वापस आएंगे, उसके बाद पावर मिल 6008 SYS EXES पी मिल का एक क्रैक उठाएंगे यहाँ से, EXE फाइल कॉपी और सेम डेस्टिनेशन पावर मिल SYS EXES सेम पेस्ट कर देंगे, ओवरराइट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इसके अंदर ये सबको सेम है, सबका सेम प्रोसीजर है। अब ये हमारा PS एक्सचेंज का है, वापस जाएंगे PS एक्सचेंज में SYS EXES इसको पेस्ट कर देंगे, सेम ओवरराइट मांगेगा ओवरराइट कर देंगे, फिर वापस जाएंगे PS OPT फील्ड SYS EXES कॉपी किया, OPT फील्ड SYS EXES पेस्ट ओवरराइट, सेम प्रोसीजर सारे फोल्डर के लिए रिप्लाई में। ये सब करना ज़रूरी होता है, ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम प्रोग्राम पोस्ट करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी कोई भी, आप आसानी से इसको चला पाएंगे। ओवरराइट प्रोग्राम पोस्ट करते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये DNC का है सॉफ्टवेयर, विंडो DNC कॉपी सेम विंडो DNC EXES पेस्ट ओवरराइट। ठीक है, अभी हमने ये सारा इंस्टॉल कर दिया है। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर बड़ी अच्छी चीज़ है कि जैसे मैंने पावर मिल मैट्रिक चलाया, अभी ऑन कर दिया मैंने पावर मिल मैट्रिक जी। ठीक है, ये पावर मिल, अभी मान लो मेरे कोई भी एक XT फाइल है, ठीक है, मैं XT फाइल एक ढूंढता हूँ अभी, उसको इंपोर्ट करूँगा मैं। हाँ जी, देखिए मैं अभी इसके अंदर XT फाइल इंपोर्ट करूँगा तो वो होगी नहीं इसके अंदर, इंपोर्ट फाइल इंपोर्ट डेस्कटॉप पे हम जाएंगे, पार्ट वन के नाम से मेरी फाइल है, ये आ गई ओपन, ये देखिए ये एरर जो दिखा रहा है अभी, इस एरर को कंप्लीट करने के लिए एक ऑप्शन है इसमें कि इसने बोला है कि मैंने इसको बंद किया, स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्ट करने के अंदर इसके अंदर डायरेक्टरी जो आएगी, इसकी डायरेक्टरी में डेलकम आएगा, ये आ गया डेलकम। ठीक है, डेलकम के अंदर ये आता है मेरा PS एक्सचेंज। ठीक है, PS एक्सचेंज को खोलना है, ये कंप्यूटर रजिस्टर्ड PS एक्सचेंज, ये करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैंने इसको रजिस्टर कर दिया, तो दोस्तों देखेंगे हम कि जैसे कि हमारा डेलकम इंस्टॉल हो चुका है और हम रजिस्टर भी कर चुके हैं। अब हम इसके अंदर देखिए, एक मैं मेट्रिक खोल रहा हूँ, पावर मेट्रिक, अभी इसके अंदर हम एक मॉडल इंपोर्ट करेंगे, फाइल मॉडल इंपोर्ट, फाइल में XT फाइल इंपोर्ट करूँगा इसके अंदर, IGS फाइल को इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर। ये देखिए ओपन, ये देखिए मॉडल इंपोर्ट हो गया इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर हम कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कैसे भी किसी भी तरीके की।
तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्गेलाइट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू वेरी मच।